हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हट। आज मैं प्रियंका प्लैटिनम फेशियल का आपको डेमो देने वाली हूं, तो इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको पता चल जाए कि पूरा फेशियल घर पर कैसे करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी हट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो इस प्लैटिनम फेशियल किट में ये चार प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं एक एक करके आपको सारे प्रोडक्ट्स की मसाज अच्छे से शो करूंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक बाउल और एक स्पॉन्ज। आप फेस वाइप्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप घर पर फेशियल कर रहे हैं तो स्पॉन्ज सही रहता है, बट अगर आप पार्लर में यूज कर रहे हैं तो फेस वाइप्स ज्यादा बेटर रहते हैं। सर्दियां हैं तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी यूज कर सकते हैं फेशियल करने के लिए, और गर्मियों में आप नॉर्मल टैप वाटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है। तो सबसे पहले मैंने फेस अच्छे से स्पॉन्ज से क्लीन कर दिया है। उसके बाद अब ये फर्स्ट स्टेप प्लैटिनम स्क्रब, इसकी मसाज मैं फेस पर करूंगी। स्क्रब हम यूज करते हैं एक्सफोलिएट करने के लिए। इसकी आपको 5 मिनट की मसाज करनी है। तो लगभग इतनी क्वांटिटी आपको एक फेस पर अप्लाई करनी है। सबसे पहले ऐसे करके इसको पूरे फेस पर लगा देंगे। इसके बाद आप हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, जिससे मसाज करने में आसानी रहे। स्क्रब की मसाज आपको बहुत ही जेंटली करनी है। जब जब आपको जरूरत लगे बीच बीच में आप पानी को लगाते रहिए। प्रॉपर स्टेप्स पर मैं एक वीडियो जल्दी ही बना दूंगी। फिलहाल आप देख लीजिए कि सारे स्टेप्स को मिक्स करके फेशियल करते कैसे हैं। और आइस पर तो आपको और ज्यादा केयर के साथ स्क्रब की मसाज करनी है। फेस स्पॉन्ज को आप अच्छे से स्क्वीज करके पानी में से, और फिर फेस को क्लीन कर दीजिए। और स्पॉन्ज या वाइप्स आपके बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने चाहिए, जिससे कि वो स्किन पर हार्श ना लगे, और आपको हाथ भी बहुत सॉफ्टली यूज करना है। इसके बाद अगर फेस पर कोई ग्रैनुल्स रह गए हैं तो आप टॉवल की हेल्प से उन्हें अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो सेकंड स्टेप अब मैं करने जा रही हूं, ये है मसाज क्रीम। इसकी आपको 10 से 15 मिनट तक की मसाज करनी है। अगर आप मैच्योर स्किन पर कर रहे हैं तो 15 मिनट, और अगर आप यंग स्किन पर कर रहे हैं तो 10 मिनट काफी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरे फेस पर क्रीम अच्छे से लगा दी है। फिर आप हल्का सा पानी लगाकर और उसके बाद मसाज स्टार्ट कर दीजिए। स्टेप्स सारे आपको वही करने हैं जो स्क्रब में मैंने किए थे, और जैसा कि मैंने आपको तब भी बताया था कि आपको बहुत जेंटल मसाज करनी है, बिकॉज हार्श मसाज स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। तो
तो जो लोग बोलते हैं कि टाइट मसाज करनी है, बहुत हार्ड मसाज करिए, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको पूरे फेस को अच्छे से कवर करते हुए सारे पोर्शन पर मसाज करनी है। अगर आप एक एक स्टेप की पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नोज पर तो बहुत ही हल्के हाथ से करनी है, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है आपको। और इसके स्क्रब की स्मेल काफी अच्छी थी और क्रीम की स्मेल भी काफी अच्छी है। वैसे तो आप में से मोस्टली लोग जानते ही होंगे कि मेरी मम्मा का पार्लर है, तो अगर आपको पार्लर कोर्स करना है पूरा और चाहते हैं आप कि आपको ऑनलाइन हम क्लासेस दें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर से एक वेट स्पॉन्ज की हेल्प से आप फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। अब थर्ड स्टेप जो मैं करने वाली हूं वो है मसाज जेल। इसकी आपको 5 मिनट की मसाज करनी है। अब फिर से हल्का सा पानी लगाकर मसाज स्टार्ट करनी है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही माइल्ड है। अदरवाइज कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल बहुत बेकार होती है, तो उनसे उनको फेस पर अप्लाई करते ही बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है। तो इसके प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक, तो तीनों प्रोडक्ट्स की स्मेल बिल्कुल ठीक है। और फिर से अब वेट स्पॉन्ज की हेल्प से इसको क्लीन कर लें। हर एक प्रोडक्ट की मसाज करने के बाद आपको उसको अच्छे से क्लीन करना है। और अब लास्ट स्टेप, फेस पैक। इसको सबसे पहले एक बाउल में निकालना है और ब्रश की हेल्प से, और अगर ब्रश नहीं है तो आप फिंगर्स की हेल्प से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको आपको लगभग 10 से 15 मिनट फेस पर छोड़ना है। अब सबसे पहले मैं एक बाउल में इसको निकाल लूंगी, लगभग इतनी क्वांटिटी, और अगर कम रह जाए तो बाद में आप और क्वांटिटी भी इसकी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको फिंगर्स की हेल्प से ही अप्लाई करूंगी, आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी इसको लगा सकते हो। इस पैक का टेक्सचर तो ऑलरेडी थिन है तो इसमें तो ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपका पैक थोड़ा सा हार्ड है या ड्राई है तो आप उसमें रोज वाटर ऐड कर सकते हैं या कोई भी मिस्ट ऐड कर सकते हैं। पहले अच्छे से फेस पैक को मिक्स कर लीजिए और अब अपवर्ड मोशन में आपको इसको लगाना है ऊपर की साइड लेते हुए। कई लोग पैक को नीचे की साइड लगाते हैं जो कि सही नहीं होता है।
15 मिनट बाद अब मैं इस फेस पैक को क्लीन कर दूंगी। तो फेशियल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप फेस पर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है विंटर्स में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, फेशियल से काफ़ी अच्छे से फेस क्लीन हो चुका है। और फेशियल से पहले मैंने वैसे ब्लीच भी की थी, ब्लीच के साथ थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिवली ग्लो दिखा। आप चाहें तो ब्लीच को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा फेशियल का पूरा डेमो। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।